जैसे हम 24 आवर्स के क्लोज होते जाएंगे वैसे वैसे रूम छोटा होता जाएगा। हिडन विंडो है यहाँ पे, मेरा रूम मेरे रूल्स पे जाओ भाई, फिर ये भाई पे टाइट होके सोना पड़ेगा। एंड हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, चूज मी, मेरे बिना तुमने शुरू कर दिया। हेलो, कहाँ कहाँ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक ऑन यूट्यूब। आई वॉजंट एबल टू पोस्ट वीडियोज बिकॉज ऑफ माई प्री बोर्ड्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट वी आर बैक विद अ बैंग एंड वी आर शूटिंग लिविंग इन अ रूम पार्ट टू। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच फॉर 1 मिलियन प्लस व्यूज ऑन लिविंग इन अ रूम पार्ट 1। इसी बार हम लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में रहे थे, इस बार हम अपने बेडरूम में रहने वाले हैं फॉर 24 आवर्स। क्योंकि इसमें एक मैं तुम्हारे लिए ट्विस्ट लेके आई हूँ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम 24 आवर्स के क्लोज होते जाएंगे वैसे वैसे रूम छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप पूरी वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ओवर हियर। एंड अगर आपने लिविंग इन अ रूम पार्ट 1 नहीं देखी तो वो देख सकते हो, यहाँ पे लिंक आएगी एक। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो गाइज अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ जिसमें हम 24 आवर्स के लिए रहने वाले हैं। ये डोर है जो मैंने लॉक कर दिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता। एंड ये है ओवरव्यू ऑफ द रूम। नाउ इसमें कुछ रूल्स होने वाले हैं जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, तो एक एक करके आपको सब बताएंगे। इट्स द फर्स्ट रूल, आप इस पूरे चैलेंज में बस 2 बार ही वॉशरूम जा पाओगे। यार ये क्या कर रहे हो आप बताओ। सेकंड रूल है कि आप सिर्फ एक बार भी गए रूम से तो फिर यू आर आउट ऑफ द गेम। थर्ड रूल, द थर्ड रूल इज दैट बीच बीच में हम डिफरेंट गेम्स खेलते रहेंगे और इन गेम्स में जो भी जीतेगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड हो सकता है जैसे कि वॉशरूम जाने का एक्स्ट्रा चांस। सो दिस इज द राउंड एंड ये सब रूल्स होंगे, एंड हाँ आपसे बच के रहेंगे। एंड आपको पूरी वीडियो देखनी है जानने के लिए कि कौन जीतेगा इस बार का 24 आवर्स चैलेंज। अभी बज रहे हैं 12:00 PM एंड कल 12:00 PM तक हम ये चैलेंज करेंगे, एंड जो कल तक रुक सकता है इस रूम में, रुकेगा इस रूम में, वो जीतने वाला है ये चैलेंज। तो ये है बाहर का सीन, यहाँ पे भी डॉग्स भौंक रहे थे, एंड 12 से 12:30 हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। A few moments later. So guys, अभी हम खेल रहे हैं मनोपली, बट ये डील नहीं है, ये बोर्ड वाली प्रॉपर मनोपली है, एंड इसमें मैं जीत रही हूँ। जैसे मैं मत करो यहाँ पे। सो ये तो बहुत इजी कैलकुलेटर वाली मनोपली है, कार्ड वाली, ये हम खेलेंगे थोड़ी देर। फिर हमारे पास लूडो है, हमारे पास लाइफ है, बहुत सारी गेम्स है, तो हम बोर तो नहीं होने वाले इस 24 आवर्स चैलेंज में। एंड इस बार हमने एक और चीज करी है जो है कि हम अपने डिवाइसेस नहीं यूज कर सकते। पिछली बार हम पूरा टाइम कंप्यूटर लैपटॉप और फोन्स और आईपैड में थे, वो बंद करवाया था। बट इस बार वी कैन नॉट यूज आवर डिजिटल डिवाइसेस, नहीं करने वाले कुछ भी यूज। ओके, तो अभी हमने खाना ऑर्डर करा है, एंड ऑब्वियसली हमने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया, तो वहां से तो खाना नहीं आ सकता, तो फिर हम यहाँ से अभी लेने वाले। हाँ एक सेकेंड, हमारा खाना आ चुका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, एक हिडन विंडो है यहाँ पे जो हम खोलने वाले हैं। ये बहुत कम खुलती है, बट अब हम छुपके से हमने जो खाना ऑर्डर करा है उसके लिए हमने खोली है। ले लो और दे दो। हाँ ले लो, आएगा दे दो इसको, ये नहीं खुलता, दे दो यहीं से, देखती हूँ। सो ये हमने ऑर्डर करा है सबवे से, कुकीज ऑर्डर करे जो हम सबके फेवरेट है। पार्टी चल रही है, हाउ इज द कुकी? इट्स रियली गुड, गुड गुड गुड। ब्लैक चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट होता है। आपका कैसा है? बहुत यम्मी है। मेरे को तो कुकीज मतलब इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। सो अभी इसको वॉशरूम जाना है हाथ धोने के लिए, तो आपकी एक चांस जा रही है, 2 चांसेस में से सियान की बात जा रही है। सियान जाओ वॉशरूम जाओ। ये हमारा वॉशरूम रूम में ही है, सो हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा, बट स्टिल डिफिकल्टी लेवल को ऊंचा रखने के लिए हमने सिर्फ 2 चांसेस अलाउ करी है।
and you can gain more chances by winning the games that we're gonna play in the future. Later. Guys, अभी बज रहे हैं 4:30 and हम दोनों बातें कर रहे थे और दो तीन ऐसे हमने गेम्स खेल रहे थे एंड ये दोनों सो रहे हैं यहाँ पे. दोनों ही मतलब एक सेकेंड में ये दोनों सो गए. खाना खाते इन्होंने लंच करा, हमने सबे वाले बिस्किट खाए और दोनों टोन सो रहे हैं. मतलब सो रहे हैं दोनों सो गए और अब इन्हें हम थोड़ी देर में उठाने वाले हैं बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फर्स्ट गेम. मतलब हम फर्स्ट गेम जो खेलेंगे उसके अंदर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा वॉशरूम जाने का चांस. एंड ये गेम होने वाली है निंटेंडो, हमने पहले भी खेली हुई है तो हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे खेलेंगे. पहले इनको उठाते हैं फिर गेम खेलेंगे. अरे कर, ये डांस कर रही थी अभी लड़की. डांस करो करो, हटाओ, उठ ही नहीं रहे, हम चिल्लाए जा रहे, हिला हिला कोई, उठो 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 उठो. 1000 years later. यार सोने के लिए आए हो तुम हैं? हम गाने चला के अभी डांस करने वाले तभी ये उठेंगे. गाना चलाओ यार, गाने हमने लगा दिए, अभी उठेंगे. उठ जाओ, YouTube पे और ही सो रहे हैं. YouTube पे कौन सोता है यार? उठ गए, गुड मॉर्निंग, पूरे एक घंटा सोई है ये. उठ गया उठ गया उठ गया. हाँ थका हुआ है थोड़ा सा, बट कुछ नहीं होता. वी आर इन फॉर द चैलेंज. Few inches later. So guys, अब थोड़ा सा टाइम हो गया है कि हम इस रूम में रहे हैं. So now it's part for the twist and room छोटा होने जा रहा है. छोटा कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ. So ये रूम है, ठीक है, इस तरफ बेड है एंड इस तरफ ये थोड़ा सा एरिया है. So ये जो एरिया है हम यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है. तो अब हमारा रूम बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सिर्फ बेड टू बेड, उधर हम नहीं जा सकते. तो हमारे पास इतना सा एरिया बचा है. सो बेसिकली डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा और कुछ नहीं होगा. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम नहीं जा सकते. तो इधर आ जाओ वरना आप आउट हो जाओगे. आप भी आउट हो जाओगे. सो गाइज, मैंने अभी ये रियलाइज करा है कि मैं अपना स्टैंड और जैकेट उस एरिया में छोड़ चुकी हूँ. स्टैंड और अपनी जैकेट एंड अब मैं नहीं ले सकती वो, क्योंकि आई विल गेट आउट. वो एरिया सील हो चुका है एंड अब स्टैंड के बिना हमें शूट करना पड़ेगा यार. Later. So, ये रहा निंटेंडो, छोटी स्क्रीन है बिकॉज बड़ा वाला चल नहीं रहा. एंड ये दोनों पहले खेलेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट और फिर मैं और अनान्या खेलेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट. सो मैं चूज करती हूँ तुम्हारे लिए गेम और उस गेम में जो जीतेगा वो उसको मिलेगा एक रिवॉर्ड. एंड सो लेट्स चूज टेलीफोन, द इजीएस्ट गेम. ओके एंड देखते हैं अब इन दोनों में से कौन जीतता है. कौन जीते? सो इसमें क्या करना है कि मतलब जो सबसे पहले इसको उठाएगा वो जीत जाएगा. Now it's gonna be between Ananya and me and let's see who wins. So basically हम कोई भी random game choose करने वाले हैं जो Shania choose करेगी, क्योंकि Shania जीती है. तो आप हमारे लिए game choose करोगे and उसमें से जो जीतेगा वो जीतेगा and जो जीतेगा वो जो पहले जीता था उसके साथ match करेगा और फिर जो जीतेगा वो जीत जाएगा. अरे कहना क्या चाहते हो? So Shania, choose the game that we are going to play. Yes. Okay. Okay, let's go. I think you will play this game. नहीं नहीं नहीं. काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह. Then. Okay. सबसे गंदी, मतलब मुझे सबसे गंदी लगती है. देखो. Okay, इसमें हमें क्या करना है? पोज में आपको कोई भी पोज मिलेगा. You need to copy that and it will sensor कौन ज्यादा हिला. जो कम हिलेगा वो जीत जाएगा. नहीं कर सकते चेंज. चलो 3, 2, 1 गो. सिक्स एंड अ हाफ आवर्स लेट. नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा भाई. इसे स्क्वाड भी नहीं करता, चीटिंग. सो फाइनल मैच
मैच होगा शनाया और अनान्या में से. अब देखते हैं कि कौन जीतता है द फाइनल रिवॉर्ड. हाई, यू कैन सी मी इन द टीवी एंड चलो शुरू करते हैं फाइनल मैच बिटवीन दीज टू. सो दिस इज अ मिल्क वाला गेम. इसमें जो ज्यादा मिल्क निकालेगा वो जीत जाएगा. सो लेट्स सी. ठीक है, ये देखो पूरी फोर्स लगा के कर रही है दोनों. यस, हाँ जीत गए अनान्या. कांग्रेचुलेशंस मैडम. तो अनान्या का रिवॉर्ड मैं बताने वाली हूँ. सो आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा वॉशरूम जाने का चांस. मतलब नाउ यू हैव 3 चांसेस एंड मेरा सिर्फ एक बचा है. शनाया का भी एक बचा है, सियान का भी एक बचा है, उसके बाद हम नहीं जा सकते. और एंड इस मैडम बस 3 चांसेस हैं. सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर 2 आवर्स. लाइक सो यहाँ पे लाइटिंग काफी अच्छी है. मैं सुंदर लग रही हूँ. ओके, वॉट एवर. सो अभी हम अपना डिनर कर रहे हैं एंड मैंने तो सबवे से ऑर्डर कर लिया था और बच्चे घर का ही खा रहे हैं. इन्हें घर का पसंद है शायद खाना. सो ये है मेरा सबवे चिकन हैम माय मीटिंग एंड ये लोग सब प्रॉन्ट ही खा रहे हैं. हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 11 o'clock एंड छोटी सी लाइट जलाई है क्योंकि हमने पूरा मूवी देखने का माहौल बनाया हुआ है. हाय गर्ल, सी हियर. सियान का है? सियान भाग चला गया कमरे से. अरे भाई छुप क्यों रहा है तू? हम अभी देख रहे हैं स्ट्रीट डांसर 3D और अभी गाने पे वरुण धवन की मूवी. उसकी शादी हो गई है बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें उसकी मूवीज अभी भी अच्छी लगेंगी. अभी आया है गर्मी, आया गाना बट हमने म्यूट करा है क्योंकि कॉपीराइट लग सकता है. इसीलिए कोई गाना चाहता है गर्मी गाओ गाओ ऐसे ना तू देख मुझे. तो क्या हो रहा है कि शनाया पूरी मूवी में घुस चुकी है. मतलब वो आंखें नहीं हटा रही कैमरे से. तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ट्रिक करते हैं, देखते हैं कि वो फंसती है नहीं. यार ये शनाया उधर जो प्लेट्स हैं वो रखा, प्लेट्स देखी है किसी ने? उधर ना प्लेट्स हैं, बाहर रखा. बाहर रखा, तू जाएगी? चल तू रखा, मैं यहाँ देखती हूँ कैमरे में कुछ से ब्लर सा हो रहा है. अभी तक तो जा रही है, देख रखा है कि ना, हैवी तो नहीं है ना? हाँ बस रखा उसको बाहर. वो भी ले जाओ, जैसे तेरी मर्जी है जानन. आउट 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 आउट. I am sorry but you are out of the room. That was not allowed. But इसको टेबल पे रख दो पहले, फिर हम आपसे बात करेंगे. चला चैलेंज चल रहा है. चल कुछ नहीं होता. सी यू. सो आई डोंट नो, पता नहीं श्रेया को पता ही नहीं चला कि हम चैलेंज अभी भी कर रहे हैं. मूवी में वो इतना हो गई थी कि घुस गई थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि हम चैलेंज अभी भी कर रहे हैं. हाँ बट चलो एक प्लेयर तो कम हुआ है, कॉम्पिटिशन कम हुआ, अब थोड़ा हम रिलैक्स्ड है. अब डिक्रीज तो कर दो. या सो काफी टाइम हो चुका है एंड नाउ वी आर रेडी टू डिक्रीज द स्पेस. और बताऊं कहां से लेकर यहां तक. हाँ, तो बेसिकली क्या है कि अब हम सिर्फ अपने बेड पे रह सकते हैं. वी कैन नॉट स्टेप डाउन फॉर. नहीं भाई शुरू हो चुका है. अब हम बिल्कुल भी बेड से नीचे नहीं उतर सकते एंड अनफॉर्चुनेटली हम अपनी गेम्स भी वहां छोड़ आए हैं. सो ये पोजीशन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है इसलिए मैं इसी. हाँ बिकॉज लाइटिंग अच्छी है. तो अब हम अपना सेकेंड राउंड कर रहे हैं. अभी आपको लग रहा हो कि बिल्कुल सुबह है बट एक्चुअली में इट्स 1:30 AM एट नाइट एंड आई एम फ्रेश है बिकॉज चैलेंज है. तो अभी हम कर रहे हैं अपना सेकेंड गेम का राउंड विच इज डांसिंग स्टैचू. हमने एक वॉलंटियर बुलाया है मेरा भाई जो शूट करेगा और हमें हंसाएगा एंड लेट्स सी इस राउंड में जो जीतेगा उसे पता है तुम्हें क्या मिलेगा. मतलब ये बेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब हम सिर्फ इस बेड में रह सकते हैं. जीतेगा वो कहीं भी जा सकता है रूम में फॉर 1 आवर. नो इस रूम में ही. हाँ इस रूम में वो कहीं भी जा सकता है फॉर 1 आवर. ओके सो इसमें क्या है कि हम बैठे बैठे डांस करेंगे क्योंकि ये बेड पे हम जंप नहीं कर सकते. एंड चलो लेट्स प्ले एंड पॉज जब भी करेगा तो हमें स्टैचू होना है, सबको आती है. लेट्स गो. स्टार्ट हो गया भाई, नाचो भाई. भाई कॉपी मी मैन, डोंट कॉपी मी. यू नो नो यू
पॉज एनी टाइम एंड देन हमें ऐसे स्टैच होना पड़ेगा. सियान म्यूजिक बजने के 6 घंटे बाद रुका है. देखो पहले ही हंसने शुरू हो गए, मैं क्या हंसाऊंगा फिर इसमें. ये तो भाई कोई स्टेप ही करना शुरू की है, एक हाथ इसका ऊपर है, एक हाथ ऐसे नहीं होता. एक सेकंड में हंस गई मैं, इतना अच्छा हूँ. वाओ कुछ भी यार, ये तो रुको रुको भाई, मेरे क्यों आया तू? ये अपना आधा मुंह किसी से छुपा रही है ऐसे करके, ऐसे आधा मुंह भाई. ये रेसिंग रेसिंग, मैं शर्मा गई, हिल गई, हिल गई. ये देखो मैं तो मजाक कर रही थी. कैसा लगा मेरा मजाक? खुद ही बैठ गई तू बुद्धू. अरे मैं स्लिप हो गई. हाँ तो स्लिप हो गई तो इसका मतलब श्यान जीता है. हाँ जीत गया. वाह वही. तो अभी एक सेकंड रुको तो सही, तुम ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स कर रहे हो यहाँ पे. अरे सुनो ना मेरी बात तो सुनो भाई, ये मेरा रूम है तो मेरे भी रूल्स है. सर ट्विस्ट ये है कि जो तुम दोनों हारे हो, अब तुम दोनों को पूरे 1 घंटे के लिए जब तक इसका चल रहा है खड़ा रहना पड़ेगा. बैठ सकते ही नहीं तुम. पागल है, ये भी कर सकते हैं यार, बंद कर. मेरा रूम मेरे रूल्स. फिर जाओ भाई, फिर ये भाई ये देखो मेरा रूम है, मेरा रूल्स है भाई, मेरे रूल्स. खड़े कैसे रह सकते हैं पूरा 1 घंटा? जस्ट मत कर यार प्लीज. मेरे रूम मेरा रूल. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. नहीं बच्चे बैठने इसका रूम है, इसकी बात. हां सियान अभी वॉशरूम में, पता नहीं अपनी दुनिया में घूम रहा है. क्या बोल रही है कि अब हम 1 घंटे खड़े रहेंगे यहाँ पे और सियान अपना वॉशरूम में है, मजे कर रहा है. उसको क्या 1 घंटा, वो कुछ भी कर सकते है. और हम बेड से एक तो नीचे नहीं उतर सकते, दूसरा हम बैठ नहीं सकते. सियान अपना यहाँ पे ज्यादा ही फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, पूरी इसके पास जगह है. अभी दिखाऊं मैं आपको कुछ. क्या करने वाले हो आप? ओहो सो फाइनली 1 आवर हो चुका है. जल्दी से हो गया 1 आवर, हो गया सबके लिए और अब हम फाइनली बैठ सकते हैं एंड लेट भी सकते हैं. सो गाइस अभी ना 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट एंड आई एम इन माय पजामास एंड बस हम सो रहे हैं. सो क्यों नहीं रहे तू यार, सो जा, हो गया. मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है. सो जाओ फिर अभी. सो गोइंग टू स्लीप लेटर. सो गाइस ये दोनों तो सो गए थे, मैं भी सो गई थी एंड मुझे पता चला कि अनन्या मैडम उठ के बाहर चली गई नींद में वॉशरूम जाने के लिए. एंड सो दादी आई बाहर से एंड शी टोल्ड कि अनन्या बाहर चली गई थी वॉशरूम जाने के लिए एंड वो आके वापस सो गई है. तो मैं उसे उठा के पूछती हूँ अभी कि उसने क्या करा. सो अनन्या उठियो, तू भी बाहर गई थी. अनन्या तू भी बाहर गई थी? हाँ यार वॉशरूम जा रहा था. तो अभी चैलेंज चल रहा है, आप आउट हो चुके हो, उठो. आप बाहर कैसे चले गए थे? कुछ नहीं होता, अभी अनन्या आउट हो चुकी है मतलब इसका. एंड अभी सियान और मैं बचते हैं, अब देखते हैं हम दोनों में से कौन जीता है. सो अनन्या आई एम सॉरी बट यू हैव टू गो आउट ऑफ द रूम बिकॉज यू आर आउट. सो गाइस सोने से पहले मुझे याद आया कि हमारा चैलेंज अभी भी चल रहा है एंड अनन्या जा चुकी है, सो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू डिक्रीज द रूम नाउ. अभी हमारे पास पूरा बेड था, नाउ वी हैव जस्ट हाफ द बेड. सो अब सियान को बताना पड़ेगा. वैसे हम दोनों हाफ में ही लेटे बट स्टिल सियान उठियो. सियान अभी ना क्या हो रहा है कि हमारे पास सिर्फ हाफ बेड बचा है, मतलब हम दूसरे हाफ में नहीं जा सकते. अगर हम उस हाफ में गए तो हम आउट हो जाएंगे. ये पे टाइट होके सोना पड़ेगा एंड यस यस यस. सो लेट्स सी अब कौन सुबह तक रह पाता है इस रूम में. एंड अभी आई एम वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड. सो गुड नाइट, फाइनली आई एम सेइंग गुड नाइट एंड आई मीन गुड नाइट एंड ओके बाय. सो गाइज गुड मॉर्निंग, इट्स नॉट दैट गुड. अभी 9 o'clock हो रहे हैं एंड ये अभी तक सो रहा है. और मेरा पूरे रात को इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बिकॉज इतनी सी लिटरली मैं इतनी सी जगह में ही सोई हूँ जितना आपको दिख रहा है. एंड बस उसके बाद मुझे वॉशरूम भी जाना है तो आई थिंक आई विल बी गोइंग आउट ऑफ द रूम. मुझे आउट नहीं होना बट आई कॉन्ट कंट्रोल, इट्स टू मच नाउ. एंड ये सो रहा है तो ये सोते सोते ही जीत चुका है चैलेंज, तो इसको खुशखबरी देते हैं और इसको उठाते हैं. और सियान सियान उठ. जा रही हूँ बाहर. इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं जीत गया. कैसा लग रहा है? I had a lot of fun doing this challenge and I hope you also had fun watching this and like, share, subscribe to my channel and again follow me on Instagram if you want and
फॉर मोर सच वीडियोज यू ऑल यू हैव टू डू इज लाइक दिस. लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतना आई विल नो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू, बाय.